अंधेरा सा छा रहा है आंखों के आगे। इसको भी पापा की याद आ रही है। मैया मेरी मैया। माँ की गोद तो माँ की गोद होती है। शनिदेव महाराज की जय। पहुँच चुके हैं नंदगांव। राधे, बस हम पहुंचने वाले हैं श्री राधा रानी के महल में। राधे राधे, ऐसे ना बिल्कुल भी मत करो अपने पेरेंट्स के साथ, देख के बहुत बुरा लग रहा है। कोई चीज की ऐसी कमी नहीं है। मेरी रूह जो है ना वो अंदर से रो रही है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरा एक और सवाल है गुरुजी। खुश रहिए आप लोग, सुखी रहिए। बाबू का नाम करूंगा। सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। तो गाइस अभी बज चुके हैं सुबह के, क्या टाइम हो रहा भाई? साढ़े चार पूरे पूरे हो रहे हैं, 4:30। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी का व्लॉग कुछ इस तरह के स्टार्ट हो रहा है कि हमारा जो अयानू है ना जो है निन्ना पूरी हो गई है। जैसे हम लोग आए हैं यात्रा से, वैसे हमारा बेटा जो है यहाँ हमें मिला और हमने इसको दवाई वगैरह दी। अब देखो इसने कैमरा पकड़ लिया। कैमरा पकड़ के कहाँ जाओगे बच्चिया, कहाँ जाओगी? हम यात्रा करके आए हैं। अच्छा, आपको नहीं लेके गए, बहुत ठंड थी। वैसे आपको कोल्ड हो रहा था भाई। भाई भाई कैमरा नहीं पकड़ना। अयानु राधे राधे बोल, क्लैपिंग करो, क्लैप करके दिखाओ मम्मा को। चलो कैपिंग कैपिंग करो, कैपिंग कैपिंग, वेरी गुड। हाँ वैली दूध। तो यहाँ पे गोलू खिला रही है इसे बिस्किट। काजी होगी, मुझे दवाई दे दी अभी। उठा 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 उठा, कि पूरा दिन बच्चा दूध और सैलेक्स से भी हो जाता है। तो चीकू हमारा सो गया है क्योंकि यार बहुत ज्यादा थक चुके थे, बहुत ज्यादा सुबह से उठे हुए थे। ये लगा लो 10 बजे उठ गए थे, तो 5 तो बज ही गए पहले, और कुछ 5 घंटे बाद 24 घंटे देंगे। तो ये तो शुक्र है गाइस कि हमने रूम में जो है हीटर लगा लिया था, और इसने कम से कम भी ये लगा लो। हम वहाँ से कितने बजे आए थे, हम प्रेम मंदिर से हम तो शाम को देखभाल 8 बजे तक पहुँच गए थे। 8 बजे, 8 बजे के बाद ये 1 घंटा इसने जागा होगा यहाँ के, उसके बाद तब से लेके अब तक ये सो रहा था। जैसे हम लोग यहाँ पहुँचे उसके 10-20 मिनट बाद ये उठ गया था, और उठने के बाद से अभी इसकी जो है नींद पूरी हो चुकी है। तो अब ये जो है दोनों मम्मास को सोने नहीं देगा, पर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग सो जाते हैं वरना हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। कबूतर आया, कबूतर आया, ये कबूतर आया। कहाँ गया कबूतर? मुँह में, कबूतर मुँह में गया। अयानू का पूरा ध्यान यहाँ पे है। भवानू, तेरा नाम हमने भवानू रखा है। अयानू, अयानू, ये है भवानू। क्या हो गया, खांसी कैसे हो गई? आपका तो इतना ध्यान रखा हमने, फिर भी आपको खांसी हो गया। चलो चलो कोई बात नहीं। आपने भाई को विश किया था, बर्थडे विश किया था? नहीं किया ना। फोन पे स्पेशल नंबर है इसके पास। इसके पास नंबर है? मेरे को नहीं देता। अच्छा, इसका यहाँ मन नहीं लग रहा, उन दोनों का वहाँ मन नहीं लग रहा। होता ही है ना, देखो तीनों का बॉन्ड है, तीनों के तीनों का जोड़ा है ना, वो मिस कर रहा है एक दूसरे को। कोई नहीं, अच्छी बात है ना, पापा वहाँ पे है, हम दोनों तीनों में से एक बंदा तो होना चाहिए। तो हम लोगों की ना जो ट्रिप होती है ना टेंशन फ्री हो जाती है, क्योंकि तीनों में से एक बंदा हो ना तो फिर वो रहता है। देखो माँ बाप होते हैं, बाकी सारे भी होते हैं, बट वही है ना कि पेरेंट्स के साथ बच्चों को ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जैद और तुबा ना पापा और मम्मा को अच्छे से जानती है। इसका पूरा ध्यान हुआ है। हाँ, इसका ध्यान नहीं है हमारी तरफ, इसका ध्यान उसकी तरफ है। मैं तो कह रही हूँ उसकी तरफ ही रहे, कम से कम कुछ खा तो लेगा। तो सच में अब मेरी आंखें ना ऐसे बंद हो के दर्द हो, ऐसी दर्द हो रही है, झिमझिमाहट हो रही है, अंधेरा सा छा रहा है आंखों के आगे। अब ऐसा लग रहा है आंखें बंद करो, लाइटें बंद करो और सो जाओ, पर जब तक अयान नहीं सोएगा तब तक हम लोग कैसे सो सकते हैं। इसको सुलाने की कोशिश करते हैं और खुद भी। हाँ हाँ, कैपिंग करो, कैपिंग करो, कैपिंग करो। नहीं सोऊंगा। भैया सो गया, बड़ा भैया। तो भाई ये लड़का जो है 5:30 बजे सोया है और अभी हो रहे 11:30, ये उठ चुका है। आवाज आपको आ रही होगी, पूरा 360 के एंगल में घूमता है लड़का। देखो देखो ये देखो, कहाँ जाना भाई? भाई लड़का दवाई लेने में बिल्कुल निकम्मा है। मैं भी तेरी माँ हूँ बेटे, डाइट तो मैं पिला के लाऊंगी। ये वो नहीं था, किलविश नहीं था है, उसमें ऐसी टोपी लगा के रहता ना, है ना? वैसे देख दे, जादू जादू और मेरा जादू, डाई पी डाई, देख देख होगी ना खांसी। फूफू नहीं करना, फूफू नहीं करना, अच्छा प्यार से प्यार से। पापा, इसको भी पापा की याद आ रही है। अरे यार दो दो मम्मा है फिर भी पापा, इतना लाड़ेश्वर पापा का क्यों होता है भाई? बाल खींचके मम्मी के, वैसे बाल, मम्मी वैसे गंजी हो रही और बाल खींच रहे। चल ब्रेकफास्ट मंगा लिया, क्या खाएगा बेटा? खींचू खाएगा, छैलक खाएगा, कहाँ खाएगा मेरे पुत्र को? क्या खाया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस मैं भी उठ चुकी हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे क्या है होटल में ना आपकी जो नींद है ना डिस्टर्ब हो ही जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा अयान है ना उसको 2-3 घंटे हो गए अभी तक सोया नहीं है। है बेटा, इसको मैंने सारे तरीके के टॉयज दे दिए। तो ये सारे टॉयज इसके लिए मैंने दिए हैं, कैमरे का ढक्कन, हींग, सैनिटाइजर। ही मिस्ड सिस्टर एंड ब्रदर। हां ही मिस्ड। तुबा, ओ गोलू नीचे चला जाएगा। तुबा, तुबा, तुबा का है जय अयान।
अयान नहीं दिखता है, नाम तो पता है इसको अपने। तो यहाँ पे अयान को दिखा रही हूँ मैं तोता, मैं तोता, क्योंकि ये तोता जब दिखता है। और एक और इसका पोएम है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए फिर ये सैरलेक खाता है। तो अभी सैरलेक यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा कर रही हूँ, इसको थोड़ा देर बिठा रही हूँ। ये लो मैं तोता देख लू, देख लो देख लो। उसके बाद ना अयान को रेडी भी करना है आज, और अयान के सारे वार्मर करेंगे चेन, और इसको लेंगे स्पॉन्ज बाथ। तो गाइस यहाँ लहसुनों की हालत आप देख सकते हो, लहसुन पूरे पिचक गए हैं, पूरे लाल हो गए हैं। गोलू ने अभी भी लहसुन की माला निकाली। गोलू मैं सोच रही सुई धागा लाके ना यहाँ से लहसुन लेके इसको एक लहसुन की माला बना दूं। हाँ क्या कहती है? हाँ इफेक्टिव होती है। न्यू बनियान पहनी है, न्यू तपरे भी पहनोगे, न्यू पेंट। वार्मर सेट निकाल दिया? हाँ वार्मर सेट निकाला है। चलो भाई रेडी कर रही है, तब तक मैं पूरा रूम क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि रूम क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैंने सारे गंदे कपड़े जो है उस लगेज में डाल दिए। चीकू भी उठ चुका है और अभी टाइम हो गया एक, तो एक बजे उठा है चीकू, उसने अपनी नींद कर ली है पूरी। और हमारे अयानू ने तो बहुत ही ज्यादा नींद। मैं क्या कह रही हूँ, वैसे बच्चे रोते हैं जब ड्राई क्लीन करते हैं, पर ये आज खुश हो रहे हैं क्योंकि मुझको प्यार करती है, मुझको। आपको पता है किशन जी, वो जैसे किशन जी की दो मैया होती है, वैसे कृष्णा की, जैदू की, यानू की, तुब्बू की, चिकू की। क्या देख रहे हो बाहर? मम्मा यहाँ नाच रही है आपके लिए, मैया मेरी मैया, मैया मेरी मैया। तो गाइस मैंने पूरा रूम जो है अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग वस्टिंग करा ली है। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ मेकअप, और गोलू बना रही है चाय। ये रूम पूरा हमने अपने हाथों से क्लीन किया गाइस, बस मैं मेकअप करके पहुंचती हूँ गोलू के पास, आप लोग पहुंचे। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गई हूँ और यहाँ पे बनाने वाली हूँ चाय, क्योंकि मेरे को और पायल को पसंद है घर की चाय, तो मजेदार से चाय बनाऊंगी। साथ में ब्रेड भी रखी है, अयान की बॉटल पेसिफायर भी बॉईल करना है, तो आ जाओ बनाती है चाय। यहाँ पे निकाल ली मैंने चाय पत्ती, चीनी, इलायची और चाय मसाला। तो गाइज यहाँ पे चाय बन चुकी है, चाय मजेदार चाय, गरम गरम चाय। तो ये चाय बन रही है मेरे लिए, पायल के लिए, सूरज भैया के लिए और हमारे रेड भैया के लिए लाल। तो बड़ी मुश्किल हुई, सूरज भैया ने सिलेंडर ठीक करा, पता नहीं सिलेंडर में थोड़ी सी इशू हो गया था, क्या हो गया था, फ्लेम नहीं जल रही थी क्या है? गैप आ गया था, गैप आ गया था, तो गैप कम कर दिया। अब मेरी चाय बातों बातों में भी चाय गिर जाती, तो चाय यहाँ पे मेरी उबल गई है। पायल का वेट कर रही हूँ, पायल आए, गर्मा गर्म पायल को चाय दूं। तो पायल इज कमिंग, पायल चाय रेडी है, दे दूं? पायल मेरी आवाज पूरी आ रही होगी वहां तक, पर सुनाई नहीं दे रहा इसको। पायल मैं कह रही मेरी आवाज पूरी आ रही होगी, सुनाई नहीं दे रहा। मैं को आवाज आ गई थी, मैं आयानू से मिल रही थी, मैं अपने हाथों वाली खिचड़ी ले आई खा लूं। ठीक है, और बन गई चाय कब की? अब क्या रह गया? ब्रेड सेक रही हूँ। तो गाइस ये दो चार बर्तन थे, मैंने सोचा क्या इधर उधर रखने, मैं धो ही देती हूँ फटाफट। तो अयानू ने भी खाई है भाई चाय, चाय ब्रेड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका हल्का कफ था ना, तो उसके लिए चाय अदरक वाली अच्छी गोलू ने बनाई थी। घर की चाय घर की होती है यार, जितनी मर्जी आप बाहर की चलो पी लो, पर ना घर की चाय डाइजेस्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब भारी नहीं होती। हाँ दाऊ जी महाराज की जय। ये कहाँ का पटका है? ये दाऊ जी मंदिर, रंज के राजा ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज, जिनको हम बलराम जी के नाम से भी जानते हैं, तो उनके यहाँ से आई है हमारे लिए, और हम अभी वहाँ भी जाएंगे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे, क्योंकि हमारे साथ आप भी घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। ये तो हमारा छोटा सा लड्डू गोपाल है, खुश हो रहे बहुत। मेरे कन्हैया के पेट में दर्द हो रहा है, बड़े वाले कन्हैया के, वो कह रहा है मम्मा थोड़ा थोड़ा ना पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीकू को ना गैस बन गई है एसिड जैसा, क्योंकि होता है देखो बाहर बच्चों को। आज ना सुबह सुबह इसने छोले भटूरे थे हमारे ब्रेकफास्ट में, तो उसने भटूरा खा लिया, तो मैं सोचूं अयान की दवाई है गैस्टिका, तो ना होती तो देखो दवाई सेम ही है, तो अयान को मैं 1 ml देती हूं, उसको मैं 2 ml दे देती हूं। आ कर लो, आ करो पानी, दीदी पानी, सीधा 2 ml डाला है मुँह में। तो चीकू की क्वालिटी है, जब मैं उसको पेट दर्द सर दर्द की दवाई देती हूँ ना, तो मैं दवाई बस बंद ही करती हूँ, उसको असर हो जाती है। चीकू कैसा लग रहा है देखो, मतलब इतनी जल्दी इसको असर करती है ना, इतनी तो इनो भी असर नहीं करती, 3 सेकंड में, 1 सेकंड में असर। जो हमारे लड्डू गोपाल शो रहे हैं और हमारे कृष्णा जी शो रहे हैं, शो शो करके जाएंगे, फिर उठी उठी करेंगे, फिर दर्शन करेंगे सबके। देखो माँ की गोद तो माँ की गोद होती है, देखो भाई। तो यहाँ पे मैं अयान का दूध गर्म कर रही हूँ चलती हुई कैरावैन में, माइक्रोवेव को पकड़ के थोड़ा बाहर निकाल के, क्योंकि हमारा जो है ना ये OTT से होता है। पायल बहुत है, बंद कर दूँ ना, स्टॉप।
अब चेक करती हूँ दूध गर्म हुआ है नहीं हुआ। और ना सच में कभी कभी मेरे हाथ पे सर लग जाता है यार, दूध तो गर्म ही नहीं हुआ लग रहा है। क्यों 30 सेकंड करा है नहीं हुआ यार, तो थोड़ा लगता है अलग माइक हो रही है, दोबारा करेंगे। ऐसा तो ये गर्म नहीं होता दूध, कैसे होता है गर्म इसमें दूध? और देखते 30 सेकंड और। अयान अयान मुझे देख रहे हैं, अयान यू दूध पीने देव महाराज की जय। मम्मा यहाँ पे ध्यान से आटा काच रखा। अरे हाँ, तेरे बहुत ख्याल रहता हमारा ना। तो हम पहुंच गए हैं कोकिला वन धाम और यहाँ पे शनि देव जी का मंदिर है। तो हम बोला सब जगह आए हैं तो यहाँ पे भी दर्शन करके ही जाएंगे और आप लोगों को करा के जाएंगे साथ में दर्शन। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय शनिदेव, शनिदेव महाराज की जय। जय श्रद्धा है, दान दक्षिणा दालिम चढ़ा दे, चलते रहो खड़े बने रहो। बोला है कि यहाँ पे 3 बार परिक्रमा होगी, उसके बाद जो है हमने दीपक और धूप बत्ती जलानी है। वो आयानु बड़ा ध्यान से देख रहा है क्योंकि यहाँ पे बैलून लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पे टीका लग गया सबको। जय हनुमान। बेटा इनको तेल चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है वो मैं पूछ के बताऊंगी। तो भाई दर्शन हो गए हैं यहाँ पे, अब हम बढ़ते हैं आगे और लेके चलते हैं आपको हर एक गली में वृंदावन मथुरा की हर एक गली। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नंदगांव नंद बाबा के दर्शन करने। चलिए हमारे साथ आप भी दर्शन कर लीजिए। ये पुराने घर बने हुए ना? हाँ जी पुराने घर बने हुए हैं। हाँ उसी टाइम के। तो गाइस यहाँ की गलियाँ देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि उस टाइम बहुत छोटी छोटी गलियाँ होती थी और बहुत टाइम पहले के जितने भी घर है कुछ दोबारा लोगों ने बनवा लिया है और कुछ वही अभी तक वही जो नंद बाबा के टाइम के घर है ना वो अभी तक। दरवाजा भी वही है पायल। हाँ दरवाजे भी वही। गेट पे भी देखो राधे कृष्ण जी बने हुए हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ना आते टाइम ना हमने लड्डू गोपाल जी के लिए कपड़े भी लेंगे। मम्मी के पास भी लड्डू गोपाल जी है, चाची के पास भी है और हमारे पास भी है, सबके पास, भाभी के पास, भाभी के पास है। तो मैं ना साइज ले लूंगी क्योंकि सबके लड्डू गोपाल जी के साइज होते हैं, तो वो पूछ के ना सबके कपड़े लूंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र लूंगी। प्रसाद भी ले लिया, आपको मैं आकर बांसुरी लेके दूंगी। चलो तो चीकू ने अपने लिए लिया है, सिटी पे जाने वाला। चलो 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 प्रसाद मंदिर में चलेंगे। हमारे कृष्णा को मिला है प्रसाद में बांसुरी और मुझे मिला है अंदर से प्रसाद, भगवान जी का प्रसाद। ये जो प्रसाद है ये सुबह 4 बजे भोग लगता है। हमारे यहाँ ठाकुर जी की जो सेवा है ना बाल अवस्था में सेवा है, जैसे बच्चे की होती है, बच्चे को जन कम बने कब भूख लग जाए, तो इसीलिए रात को 6 लड्डुओं रखे जाते हैं। अच्छा, तो सुबह 4 बजे जैसे उठते हैं ना तो उन लड्डुओं का भोग लगता है। अच्छा, ये बालोक के लड्डू है, ये 180 दिन तक खराब नहीं हो सकते। अच्छा, और खाली 6 लड्डुओं का भोग लगता है जन्म से भूख मिल जाए। आप प्रसाद बनाऊंगी मेरे बेटे के। क्या कर रहे हो? तेल बनाऊंगा ना राधे। तो नीचे दर्शन हो चुके हैं, अब हम कर रहे हैं परिक्रमा और परिक्रमा करते हुए यहाँ की महिमा सुनेंगे भैया के मुख से। भैया बताएंगे यहाँ का आनंद के लाला की जय, के आनंद की जय। पहले बताइए दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे। आपने जैसा देखा हमारे यहाँ पूरे परिवार का दर्शन है।
हाँ जी हाँ जी। ठाकुर जी 2 साल 3 दिन के थे हाँ जी। जब गोकुल छोड़ के नंदगांव आए थे, नंदगांव में ठाकुर जी 9 साल 49 दिन रहे थे। 9 साल 49 दिन। गोकुल को क्यों छोड़ के आए थे? गोकुल को इसलिए छोड़ के आए थे, गोकुल में ना राक्षस भेजते थे कंस मारने के लिए, मारने के लिए उन्हें। तो नंद बाबा को डर लगा। और नंदगांव भी क्यों लेके आए? नंदगांव में नंद बाबा के गुरु जी थे सांडल मुनि ऋषि, उन्होंने यहाँ कई हजार वर्ष तक तपस्या की थी। कोई आएगा मना करके बच्चों को, तो गांव के बाहर जो भी अगर राक्षस आएगा सीमा के बाहर 5-8 पत्थर का हो जाएगा। अच्छा। नंद बाबा ने सेफ जगह देखी तो इसलिए नंदगांव लेके आया। अच्छा। तो कंस ने तो राक्षस ही भेजे थे मारने के लिए, आओ बुलाओ नाम के। तो आज भी हमारी सीमा के बाहर 5-8 पत्थर के, अभी कोहरा हो रहा है। क्या भैया पत्थर के पत्थर क्या बन गए? अच्छा। ठाकुर जी आ रहे हैं, ये नंदगांव जो है ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है, खेलते थे। वृंदावन जो है ठाकुर जी की ऑफिस है, और नंदगांव जो है घर है। वृंदावन अच्छा। में भी ठाकुर जी इतना दिन नहीं रहे, इतने नंदगांव में रहे 9 साल 49 दिन। तो कहते हैं ना जैसे आपकी ऑफिस होगी, आपके ऑफिस में तो हर कोई आ जाता होगा, घर वही आते हैं, घर जैसे संबंध। तो ठाकुर जी की पूर्ण कृपा हुई है आपको घर बुलाए। नंद की लाला की जय। चलो ठाकुर जी ने जन्म लियो भैया तो दर्शन करने के लिए आए। इसी प्रकार शिव जी दर्शन करने के लिए आए थे। शिव जी अपनी शादी में ही भूत लगा के और ऐसे योगी बन के चले गए, तो ठाकुर जी को दर्शन भी ऐसे करके आ गए। अब जैसे ही शिव जी आए तो मैया ने देखे वन की, मैया पापा ने कही वो दर्शन करा दो। मैया ने कही मैं तो दर्शन नहीं कराऊंगा। क्यों? वन की तो वे कातिल लटके बीचू लटके मेरा छोटो काला दो देख के डर जाएगा, मैं दर्शन करा दूंगा। अब बोले बाबा यहाँ से रूस के चले चले गए। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक स्थान है आशेश्वर महादेव, आप वहाँ जाओगे प्राचीन जगह, आप कोई भी आस लेके जाओ 100% पूरी होगी। आप 100% वो वहाँ ब्राह्मणों को दार बाटी चूरमा उनका भोजन प्रसाद बांटना पड़ता। तो आप ये ठाकुर जी कहीं भी जाओगे बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, वो 2 मिनट इंतजार कराते नहीं कराते, मार बिठाते हैं। 2 मिनट बैठो, ठाकुर जी के घर में गए आप 2 मिनट अगर नहीं बैठे तो कहाँ बैठो। जब से इसकी बांसुरी ली है ना कितना हो चुका है लड़का। भैया ने हमें बताया हमारा दर्शन बहुत अच्छा हुआ और हमारे साथ आप लोगों का दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ होगा। और देखो ये रही तो बहुत पुराने से बनी हुई आई है, नंद बाबा से मिलने आने के पहले ना यहाँ बिठाते थे, तो आज हम भी यहाँ बैठे हैं और बस आनंद ले रहे हैं। आधे कृष्ण आधे राधा है कहते ना, एक प्राण दे। हाँ समझ गई। चलो माता टेक बहुत सुंदर है। तो गाइस अयानू ना दर्शन करके फिर से हो गया, कान्हा जी की बांसुरी के साथ इतना खेला है कि जब जब चीकू ने छीनी ना इससे बांसुरी तब तब ये रोया। अब मैंने इसकी बांसुरी जो है संभाल के रख दी बैग में, और ये मेरी बांसुरी मतलब आपकी भी इसकी भी दोनों की है ना भाई। अब ये सो गया है, अभी उठेगा, अभी हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम अब इसके बाद? सूरज भैया को पता है कहाँ जा रहे, क्योंकि हमें नहीं पता ना आसपास के बारे में। सूरज भैया हमें लेके जा रहे क्योंकि हम ये चाहते हैं हम जितने दिन है यहाँ पे मतलब आज का दिन कल का दिन तो हर एक जगह देख पाए और हर एक जगह के दर्शन कर पाए। तो हमने अपनी पूरी टीम के लिए ये लिया है राधे राधे। तो मैं और पायल ना हमारी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा किस्मत वाली है कि हमें ये लड्डू मिले हैं प्रसाद के रूप में, और ये ना सिर्फ 6 लड्डू बनते हैं मतलब प्रसाद के रूप में, और सुबह 4 बजे लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है इसका, और उनमें से हमें 2 लड्डू मिले हैं और हमने ये अच्छे से ना रैप कर लिया है। अभी मैंने अखरोट खोले तो मैंने जितने भी हमारी टीम थी मैंने सबको अखरोट बांट दिए, और अखरोट वाले पैकेट में मैं रख लूं लड्डू ताकि मैं घर जाके ना सबको दे सकूं। मतलब हमारी पूरी टीम इतनी बड़ी है, मम्मी हम अभी छेड़ेंगे नहीं। हाँ। इसको एज इट इज ये जिपलॉक वाला है, इसमें जिपलॉक में बंद करके रख लेंगे, जब हम घर पे पहुंचेंगे पूरी टीम को एक साथ इकट्ठा करेंगे और सबको ये है ना। और ये जो लड्डू है 180 दिन तक खराब नहीं होते, उन्होंने ये बताया हमें। अगर आप किसी कहीं ट्रेवल पे और आपको लेके जाना है मतलब यहाँ आए हो आप नंदगांव में आए हो और मंदिर में आप मत्था टेके हो आपको ये मिला है, तो आप कहीं भी जाना हो आप इसे लेके जा सकते हो, अपनी फैमिली के हर एक बंदे को खिला सकते हो। 180 दिन तक ये बिल्कुल एज इट इज हो गया 5 डिप्लोमा रखते। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बरसाना, और अयान सो गया था पायल के हाथ पे सो गया था, तो पायल को मैंने बस में छोड़ दिया, मैंने कहा तू अयान के साथ रहे क्योंकि देखो बच्चा है ना पूरा टाइम जाग रहा था, अगर वो अभी भी जाग जाता ना तो फिर वो रोने लग जाता। तो मैंने कहा मैं मत्था टेक के आती, तो मैं चीकू और भवानी कहां गई ये रहे। तो अभी हम जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए। यहाँ से मुझे वैष्णो देवी माता जी की चढ़ाई याद आ गई, थोड़ा सा चली हूँ और Hello? वो दिन याद आ गया। और बस हम पहुँचने वाले हैं श्री राधा रानी के महल में, कुछ क्षण बाकी है बस। होगा भैया 500 मीटर होगा नहीं, फिर कम
कम ही कम। सही मेरे तो शरीर में जान नहीं है क्योंकि क्या ना सात बंदे मारे, मैंने नाश्ता किया था सुबह, उसके बाद कुछ नहीं खाया, वही चाय पी थी बस। यहाँ पे मैंने राधा रानी के लिए हार ले लिए, उनका श्रृंगार ले लिए और उनके लिए प्रसाद ले लिया। चले ठीक हो, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और आप मेरे साथ दर्शन करो राधे माँ के। जय राधा रानी, राधा मैया की जय। जय भाई चीकू टू पेन पहले। बहुत अच्छा लगा कि मुझे माता रानी के दरबार से छुट्टी मिली, तो मुझे प्रसाद भी मिला है। तुम ही करना मुझे चलो श्रृंगार आपके। वाह मुझे श्रृंगार मिल गया, देखो ये देखो बेटा प्रसाद मिला है ना, और मम्मी को श्रृंगार भी मिला है। श्री राधे रानी की जय। राधे राधे राधे। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे दर्शन हुए, मजा आ गया। तो अयानू यहाँ पे हमारी क्रंची खा रहा है ना, चीकू को क्रंची लेके दी थी वाली, तो मैंने सोचा मैंने कि एक अयान के लिए बचा लेती हूँ, शौक से खा रहा है, तो अगर इसे क्रंची पसंद आ गई ना, इसके लिए क्रंची ले लेंगे रात को, और मैं इसके लिए 24/7 से एक क्रैक्स भी लूंगी। तो हम लोग पहुंचे अनुरोध आचार्य जी के पास। जी आपने इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखा होगा, सीरियसली मैंने भी देखा है, और मेरा बहुत मन था कि मैं वृंदावन आई हूँ तो मैं उनसे जरूर मिल के जाऊँ, तो उन्होंने हमें टाइम दिया मिलने का और हम जा रहे हैं उनके पास मिलने। चलिए आपको भी मिलवाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं गुरु जी के वृद्ध आश्रम में। ये फर्स्ट फ्लोर पे जो है वृद्ध आश्रम है, जितने भी यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर पर 273 माताएं रहती हैं। अच्छा अच्छा। कुछ यहाँ पर है, कुछ गौशाला में बिल्डिंग बनी है वहाँ पर है। ये वो माताएं हैं जिनके बच्चे घर से माताओं को निकाल देते हैं, भोजन नहीं देते हैं। आइए माताओं से मिलिए आप लोग। ये वो माता है। राधे राधे। ये राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आंटी नमस्ते। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? ठीक है बेटा, सब ठीक। आपको बहुत अच्छा घर मिला हुआ है, है ना? अच्छा घर मिला हुआ है मेरी, बहुत अच्छा घर मिला हुआ है यार। वैसे एक बात बोलूं भैया, ये जो व्लॉग है ना, ये सुबह से शाम हो जाएगी अगर मैं हर एक किसी की स्टोरी जानूंगी, मतलब हर एक किसी के बारे में जानूंगी। तो बस ये कि सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और एक सबसे यही रिक्वेस्ट है कि माँ बाप ना बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, अपना हर एक चीज खो देते हैं, अपना पेट काटते हैं बच्चों के लिए, तो ऐसे ना बिल्कुल भी मत करो अपने पेरेंट्स के साथ। आप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, बट 10 बच्चे एक माँ को नहीं पालने में ना उनके लिए एक माँ भारी हो जाती है। ये बहुत बहुत गंदे संस्कार हैं, पर एक माँ अपने बच्चों को ऐसे संस्कार कभी नहीं देती है। वो संगत के वजह से जो है ऐसे संस्कार उनके अंदर आते हैं कि वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है, आप लोग ऐसे बच्चे बनो कि माँ बाप के लिए ऐसे वृद्धाश्रम बने ही ना, उनके लिए अपना ही घर अपना घर हो। मैं ये कह रही हूँ कि ना मुझे ये सब चीजें देखकर इतना अच्छा भी लग रहा है कि सब यहाँ पे इतने खुश, और एक चीज से बुरा भी लग रहा है कि 9 महीने देखो एक माँ अपने बच्चे को पालती है, उसके लिए सब कुछ करती है, क्योंकि माँ जब बनती है ना तब इंसान ये बातें बोल सकता है, और बच्चे अपने माँ बाप के साथ कैसे करते हैं ना, तो ये चीज देख के बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी का इतना नाम हो कि आप जैसी जितनी भी माता है ना उनको और ये सेवा कर सके। नहीं करते उतना अच्छा काम, दूध चाय नाश्ता कपड़ा लत्ता हर चीज, हमको साबुन तेल सर्फ कोई चीज की ऐसी कमी नहीं। लोग ना तरसते हैं कि दुनिया में माँ बाप हो, कि जो माँ की कमी है ना वो कोई कमी नहीं पूरा कर सकता। बोलते हैं ना कि भगवान से ऊपर माँ होती है, तो लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। ये चीजें देख के मुझे इतना अंदर से ना, मतलब मेरी रूह जो है ना वो अंदर से रो रही है कि क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है ना कि कुछ भी हो जाए बंदा यही बोलता है मेरी माँ को कुछ ना हो, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। तो देखो हर जगह आपको कोई ना कोई मिल ही जाता है। अभी इतनी सारी माताओं का ध्यान खुद एक माता रखती है जो डॉक्टर है, और जो कोई भी यहाँ पे इमरजेंसी कुछ होता है तो यही संभालते हैं, और बहुत बड़ी बात है। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं? बस ठीक है, आप कैसे हैं? अरे मैं भूल गया हूँ लारा बाबा। लोग आपको कुछ कहते हैं ना, ये आपको प्रॉब्लम है ना कि लोग आपको कुछ कहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक पिता और पुत्र दोनों जा रहे थे, उनके साथ एक गधा था, तो वो दोनों पैदल जा रहे थे, गधा भी साथ में था। तो जब वो एक गांव में पहुंचे तो गांव वालों ने बोला कि भाई जब आपके पास गधा है तो पैदल क्यों जा रहे हो? तो उन दोनों को लगा कि बात तो ठीक है, तो दोनों गधे पर बैठ गए। अब दूसरे गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा वो एक गधे पर दो दो गधे बैठे हैं, अरे गधा कमजोर है तो कम से कम एक तो उतर जाए। तो बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा। तीसरा गांव आया तो लोगों ने फिर कहा ओहो हो कलयुग आ गया, बेटा गधे पर बैठा है बाप पैदल पैदल चल रहा है। तो बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। चौथा गांव आया, चौथे गांव के लोगों ने फिर कहा वाह कैसा निर्दयी बाप है, बेटे को पैदल चला रहा खुद गधे पे बैठा। तो दोनों उतर गए,
और दोनों उतर गए तो फिर लोगों ने कहा हो जब गधा है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोगों का काम है कहना। बोलना। वो दोनों बैठे तो भी लोग बोले, वो एक बैठे तो भी लोग बोले, वो दोनों उतर गए तो भी लोग बोले, तो लोगों का काम है बोलना। कहना, बोलना। इसलिए लोगों को बोलने दो। आप तो अपनी मस्ती में, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे हजार, आप मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। लोगों का काम कहना है, कहने दो। ठीक है, आप अपना काम करते हो, आगे बढ़ते हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हमें बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इस आश्रम में जितनी भी माताएं हैं उनके लिए अगर किसी को कुछ करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? आप किसी भी प्रकार से, हम तो कहते हैं कि जो भी कमाया करो आधा घंटा एक्स्ट्रा काम किया करो, ये सोच के कि आपकी एक वृद्ध माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चलती हैं। तो आप टीवी पे चलने वाले जो डिटेल्स हैं उनमें आप संपर्क कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है, कभी गौरी गोपाल वृंदावन आके आप यहाँ की सेवाएं देख सकते हैं। हम तो कहते हैं पहले आइए देखिए फिर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पारदर्शिता है कि जो आप देखते हैं वही आपको यहाँ मिलता है। तो पहले आइए, पहले देखिए, फिर आप जुड़िए। मेरा एक और सवाल है गुरुजी, जो पापा है ना उनके फार्म में हमारे जहाँ पे डॉग्स ही होते हैं ना। गुरुजी जैसे आपने वृद्धाश्रम खोल रखा है, ऐसे हमने आश्रम खोल रखा है, मतलब आश्रम नहीं, हम अपनी कमाई का जो भी हिस्सा होता है उन पे लगाते हैं। जैसे कोई गौ माता हो गई जिसको चोट लग गई, कोई कुत्ता हो गया जिसे चोट लग गई, कोई भी जानवर जो सड़क पे पड़ा, हम उसको लेके आते हैं, उसे ठीक करते हैं, अपने वहाँ पे रखते हैं। उसके बारे में पूछना है तो हमने उसका जो नाम है, उसका नाम रखा है तुलसी फार्म। तुलसी फार्म, तुलसी फार्म, ठीक है। क्या और जो हमारी पहली गाय है, इसको पूछना था कि जो पापा वो जाएंगे थोड़ा बूढ़े हो जाएंगे तो मैं उसको चला पाऊंगा? हाँ क्यों नहीं चला पाएंगे आप, बच्चे से चलाना, खूब पढ़ लिख जाओ, खूब योग्य बनो, फिर आपको बच्चे से चलाना। क्या पढ़ते हो, कौन सी कक्षा में आप? मैं फर्स्ट में हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? चिरायु मलिक। ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए। और हनुमान चालीसा याद है आपको? नहीं। पढ़ा करिए, बल बुद्धि बढ़ती है उससे। तो आपके पिताजी का नाम क्या है? अरमान मलिक। जैसे मंदिर आए तो आपके अपने वो लोग रोकते नहीं है कि आप मंदिर क्यों जाते हैं? गुरुजी हम मुस्लिम नहीं है, हम लोग हिंदू है। अच्छा, एक्चुअली में क्या है कि नाम जो है ना, जैसे सोशल मीडिया पे नाम चेंज है, वैसे जो वैसे नाम है, वैसे ये पंजाबी है, मैं गुजर हूँ और ये जाट है। तो हमारे थ्रू अगर किसी को भी नीचे रहने वाली माताओं के लिए कुछ भी करना हो तो ये पूरी जानकारी जो है मैं इसका एक वीडियो भी डाल दूंगी, आप यहाँ से इनको कांटेक्ट करके जितना भी अपना सहयोग है वो दे सकते हैं। यहाँ पर गुरुकुल भी है जहाँ 104 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। अच्छा, अभी आप रात को आए हैं, दिन में आते तो गौशाला भी आपको दर्शन कराते। 104 बच्चे हैं जहाँ बच्चों के रहने की, खाने की, पढ़ने लिखने की सब पूरी, जो पुराने गुरुकुल की परंपरा है हमारी भारतीय, जी जी, उस परंपरा को फॉलो किया जा रहा है, वो भी बच्चे निःशुल्क। गाय है लगभग 250 गौ माता है, तो कभी आप दिन में आइएगा तो आपको गौ माता का दर्शन कराएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। खुश रहिए आप लोग, सुखी रहिए। धन्यवाद गुरु जी। ये हमारी बहन है, ये भाई है हमारे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भाटी। सूरज भाटी, भाटी। वाह, नाम बहुत अच्छा है। मेरा नाम लड्डू गोपाल। तुम्हारा लड्डू गोपाल? कृष्ण है। नाम बहुत अच्छा है आपका। तो आप भी वीडियो बनाते, कुछ बोलते हैं आप भी? हाँ, इसका पूरा का ब्लॉग चैनल है खुद का। अच्छा, 4 मिलियन इसके, और गेमिंग का भी। हाँ, एकादशी का फलाहारी प्रसाद है ये, जो ये पूरे वृंदावन में बनता है आज के दिन, और हमें ये देखो नसीब हुआ है खाने के लिए। हमारी पूरी टीम खा रही है, जितने लोग भी हम सब खा रहे हैं, और सच में देखो बोलते हैं ना प्रसाद तो होता ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इस दाने पे हमारा नाम है। तो गाइस गुरु जी का प्रसाद खाने के बाद हम लोग पहुंचे सीधा उसी परांठे की दुकान पे जहाँ से हमने कल परांठे खाए थे, हमें बहुत टेस्टी लगे थे, तो आज फिर से हमने खा लिया। अब आज जाके हम सो जाएंगे टाइम से, क्योंकि थक गए हैं बहुत ज्यादा, कल की नींद भी पूरी नहीं, परसों की भी नींद, तो आज नींद पूरी करेंगे। तो बस गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल भूलना। यहाँ पे हनुमान जी की स्नैपचैट आईडी आ रही है, तो जल्दी जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी न्यू अपडेट्स आपको वहीं से मिलेगी। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।